नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कोरोना महामारी ने जहां पूरे देश में कहर बरपा रखा है, वहीं यूपी के कुछ हिस्सों से कुछ खबरें पॉजिटिव भी आ रही हैं। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तमाम पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। ड्यूटी के बाद घर लौटे सैकड़ों पुलिस के जवान कोविड मरीज हो गए, जिनका इलाज कोई और डॉक्टर नहीं बल्कि बिजनौर सीओ ट्रेनी डॉक्टर गणेश कुमार गुप्ता खुद कर रहे हैं। वो भी महज इसलिए कि साल 2005 में सीओ ने एमबीबीएस पास कर मेडिकल लाइन को चुना था। यही वजह है कि अब सीओ की देखभाल में चल रहे इलाज के बाद कई पुलिस कर्मियों की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव भी आने लगी है। पुलिस सेवा के साथ साथ सीओ मरीजों का इलाज कर मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इनसे मिलिए, ये हैं बिजनौर के पीपीएस ट्रेनी सीओ गणेश कुमार गुप्ता, जिन्होंने पिताजी के कहने से साल 2005 में किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर कई सरकारी अस्पतालों में सरकारी नौकरी की। बचपन से गणेश गुप्ता को सिविल सर्विस में जाने का मन था। उसी का नतीजा ये रहा कि साल 2016 में पहली बार पीपीएस बनकर पुलिस सेवा शुरू की, लेकिन गणेश गुप्ता ने मेडिकल केयर के पेशे को कभी नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी जान पहचान के यार दोस्तों का लगातार इलाज कर रहे हैं। 4 महीने पहले बिजनौर आए गणेश गुप्ता सीओ ट्रेनिंग के पद पर बिजनौर में सेवा दे रहे हैं। एसपी के कहने पर कोविड पुलिस मरीजों का बिजनौर पुलिस लाइन में लगातार कई दिन से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। बिजनौर में तैनात कोविड पुलिस मरीज 163 के करीब हैं। डॉक्टर गणेश से अपना इलाज करा रहे हैं, जिनमें से 20 कोविड पुलिस मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, जो स्वस्थ हो गए हैं। मैं 2005 बैच का एमबीबीएस मैंने किया था किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। मैं वहाँ का 9th रैंक होल्डर था और काफ़ी अच्छा, मतलब मेरा एक तरह से ये समझ लीजिए कि पिताजी के कहने पर मैंने मेडिकल प्रोफेशन ज्वाइन भी किया था। हर जगह अच्छा मेरा वो रहा था और मैंने वहाँ पे भी, मेरा सौभाग्य था कि वैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ा। उसके बाद मैंने दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब किया लगभग 1.5 साल के आसपास। दिल्ली गवर्नमेंट में बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में इमरजेंसी में मैंने काफ़ी, मतलब अच्छा अनुभव रहा मेरा। बहुत सारी बड़ी बड़ी इमरजेंसीज वहाँ पे आती थी, तो इमरजेंसी में काम करने के बाद जो है मेडिकल प्रोफेशन में जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद जो है फिर मैं यूपी गवर्नमेंट में, मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ज्वाइन किया था 2012 में, और 2012 से 2018 तक मैंने लगातार वहाँ पे अपनी सेवाएं दी है देवरिया डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद जो है मेरा इसी दौरान, क्योंकि मेरा बचपन से सिविल सेवा में जाने का मन था, तो मैंने सिविल सेवा की पढ़ाई भी अपने करियर के साथ ही साथ की है। कभी मतलब बैठ के उसके लिए स्पेसिफिक तैयारी नहीं की थी। उसके बाद जो है मेरा मैंने सिविल सर्विसेज के भी इंटरव्यू यूपीएससी के भी दिए। उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने पीसीएस का दिया था, तो मेरा पीपीएस 2016 बैच का मैं अधिकारी हूँ। और मेरा सिलेक्शन जो है रिजल्ट चूँकि लेट आया था 2016 बैच का रिजल्ट, फरवरी 2019 में फाइनल रिजल्ट आया था। उसके बाद जो है चूँकि ये मेरा इंटरेस्ट भी था पुलिस में और एडमिनिस्ट्रेशन में जाना, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे जाना है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने जो है मेडिकल का करियर अपना छोड़ा नहीं है। मैं जब भी मौका मिलता है फ़ोन से या लोगों से, कहीं भी जहाँ भी रहता हूँ, मेडिकल एडवाइस, मेडिकल हेल्प या किसी भी तरह की चिकित्सकीय सलाह के लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ ऑन फोन। फ़ोन पे मैं जो है सिम्टम पूछ के दवाएं भी लिख के भेजता हूँ, और जो लोगों की परेशानियां रहता है या काउंसलिंग करना रहता है वो भी मैं करता हूँ, चाहे वो हमारे दोस्त हों, चाहे विभाग के कोई, विभाग का कोई कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सब लोग मुझसे संपर्क करते हैं और मैं हमेशा उसके लिए तत्पर रहता हूँ। और वो मैं ये अपना मैं सौभाग्य भी समझता हूँ कि मैं इस ऐसी अभी जो सिचुएशन है कोरोना महामारी का, यहाँ पे मैं अपना जो मेडिकल का करियर था उसकी जो भी चीज़ें थी, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरी पढ़ाई है, जो भी मेरा नॉलेज है, वो यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ। यहाँ पुलिस जनपद बिजनौर में मेरी पोस्टिंग 4 महीने पहले हुई है। मैं पुलिस एकेडमी मुरादाबाद से ट्रेनिंग किया था, अभी यहाँ पे भी अंडर ट्रेनिंग सीओ हूँ। और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में यहाँ पे मुझे जो है चिकित्सा से रिलेटेड भी कार्य करने का मौका मिला है। पंचायत कितने लोग इस समय पे यहाँ पे जो है अफेक्टेड हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हैं आपके विभाग के?
देखिए, चूंकि ये महामारी तो हर जगह फैली हुई है, पंचायत चुनाव के बाद से काफी पुलिस कर्मी संक्रमित हुए, जब ड्यूटी से वापस आए तो काफी लोग संक्रमित हुए, और चूंकि थोड़ी संसाधनों की कमी भी है, इस वजह से भी जो है लोगों को सही चिकित्सकीय सलाह भी अच्छे से मिल नहीं पा रहा था। तो इसमें मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और जिम्मेदारी भी थी कि मैं अपने जो भी पढ़ाई की है या जो भी एक्सपीरियंस गेन किया उसका यूज करूँ। तो मैंने जितने भी यहाँ पे संक्रमित हैं, लगभग 162 लोग जो है इस समय संक्रमित हैं, जिसमें से 22 लोगों की रिकवरी पूरी हुई है, और मैं रेगुलर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में रेगुलर इस चीज़ को फॉलोअप कर रहा हूँ कि किस मरीज को क्या दिक्कत है। यहाँ पे सुबह शाम उनसे बात की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि किसमें कितना प्रोग्रेस हुआ उसकी, ऑक्सीजन की और उसके अदर जो सिम्टम्स हैं उसकी मॉनिटरिंग होती है। अगर कोई पेशेंट सीरियस हो रहा है तो उसको उसके एडमिशन के लिए व्यवस्था की जाती है, और कोशिश यही है कि कोई कैजुअलिटी ना होने पाए। अब तक 162 में ज़्यादातर जो है रिकवरी फेज में है, कोई अभी बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम नहीं है। एक दो लोग जो सीवियर सिम्टम वाले थे वो रिकवर कर गए हैं, और टाइमली यहाँ पे सर से बात करके मैंने दवा का यहाँ किट बनवा दिया, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो सिम्टोमेटिक दवाएं हैं, या जो फेविपिरावीर जो ओरल टैबलेट है एंटीवायरल स्पेसिफिक कोरोना वायरस के लिए, तो उन सब दवाओं को मैंने यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो है मैंने यहाँ अवेलेबल वो करवाया, और हर पेशेंट को मैं जैसी जिसकी सिचुएशन रहता है उस हिसाब से उसको दिलवाता हूँ। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरा देश परेशान है, लेकिन इस वीडियो को देख लीजिए, जरा तबीयत खुश हो जाएगी। इस वीडियो में दो दादी बीच सड़क पर जमकर ठुमके लगा रही हैं। इतना ही नहीं, बीच सड़क पर दादियों की डांस का ये वीडियो जमकर धूम मचा रहा है। साथ में कोरोना से परेशान लोगों के मन ये वीडियो पॉजिटिविटी भी लेकर आ रहा है। आपको बता दें कि ये डांस नंबर फिल्म कारवां का है, जिसमें जितेंद्र और आशा पारेख ने मुख्य भूमिका निभाई है। इससे पहले हंसता हुआ नूरानी चेहरा पर डांस करती हुई एक बुजुर्ग महिला का ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था। पूरे वीडियो में महिला परफेक्ट ट्रेंड डांसर की तरह डांस करती हुई दिखाई दे रही थी। अगली खबर यूपी के उन्नाव से है, जहाँ लोगों का कोरोना से बुरा हाल है। वहीं उन्नाव की सभी 16 CHC और PSC प्रभारियों ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अपना इस्तीफा सौंप दिया। डॉक्टरों का कहना है कि उनसे रोजाना 18 घंटे काम करवाया जाता है, साथ में DM और CMO मिलकर उनके साथ गाली गलौज भी करते हैं। ऐसे में उनका कहना है कि ये वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि उनके अथक प्रयासों से कोरोना का ग्राफ काफी कम हुआ है। वहीं दूसरी तरफ दवाइयों और संसाधनों की कमी के चलते तीमारदारों से भी उनका रोजाना बवाल होता है। कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें इनाम के तौर पर गाली मिलती है। इसी बात से हर चीज़ से परेशान थे कि जो हमसे कहा जा रहा है ये काम करो, लेकिन वो बहुत सारे जो काम है जो हम नहीं कर कर, कर हम कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा सहयोग नहीं दिया जा रहा उन पे। तुरंत हमको लक्ष्य दिया जा रहा है और तुरंत मुझसे RT-PCR सैंपल या कोविड वैक्सीनेशन या कोई भी कार्य के तुरंत लक्ष्य किया जा रहा है और करवाए जा रहे हैं, जो हमसे नहीं हो पाते, और उसमें मेरा कोई सहयोग नहीं दिया जाता और मुझे जो है प्रताड़ित किया जाता है, हमसे गलत तरीके से बात की जाती है, उसके कारण हम लोग सारे क्षुब्ध हैं। इसमें दो हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी असोहा और फतेहपुर 84 को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण के उनको हटा दिया गया, और जो है उससे हम लोग काफ़ी क्षुब्ध हैं कि अगर उनको बिना नोटिस के हटा दिया गया तो हमको भी आप इस पद से हटा करके मुझे एज ए चिकित्सक काम करने दें, और हम पूरी सेवा करते रहे। कौन आप लोगों से गलत ढंग से बात करता है? हमारे 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 जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और हमारे जिलाधिकारी महोदय, दोनों लोग जब भी मीटिंग में बात होती है तो बहुत ही गलत तरीके से बर्ताव करते हैं। कितने लोग सामूहिक इस्तीफा देने वाले हैं? सामूहिक इस्तीफा देने के लिए हमारे के जो जो 14 MIC जो हैं वो सबके सब देने आए हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।